कवि, आप लोगों के बीच में चर्चा की थी बारह भावना की। बारह भावना जो है वह राग को पुष्ट करने में माता के समान है। जिस प्रकार से माता अपने बच्चे को दूध पिला करके पुष्ट करती है, लालन पालन करके उसे बड़ा करती है, उसी प्रकार से बारह भावना है। भगवान महावीर ने भी बारह भावना का चिंतन किया। वैराग की लहर जो दौड़ गई और जब वैराग जागृत हुआ तो माता के रोकने पर भी प्रभु नहीं रुके, उन्हें सब कुछ छज भंगुर दिखने लगा कि संसार में जो भी वस्तु है वह छज के है। और अनित्य भावना का चिंतन करने लगे कि मेरी आत्मा के अलावा कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य ही है। अनित्य भावना के बाद दूसरी भावना का नंबर आता है, वह है अश्रण भावना। अश्रण भावना में जब आप बारह भावना पढ़ते हैं तो पढ़ते भी हैं, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरना सरबती बिरिया जीवे को क्या कहा है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती प्रिया जीव को कोई न लागे, कि जब जीव का अंतिम समय आता है उस समय ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना कोई वैद्य बचा सकता है, ना कोई तांत्रिक बचा सकता है, ना कोई देवी देवता, कोई भी नहीं बचा सकता है। अंत समय में ना माता पिता शरण होती है, कि कोई भी किसी की शरण नहीं है। लोग व्यवहार में कह सकते हैं कि बच्चे के लिए मां उसकी शरण होती है, व्यवहार की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां पर कितनी शरण है, चार शरण है, कितनी है, चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंति शरणम पवज्जामि, सिद्धि शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पुनतो धम्मो शरणम पवज्जामि। क्या कहा है कि यदि लोक व्यवहार में शरण है
तो माता पिता की है, व्यवहार की दृष्टि से देखिए तो अनंत प्रभु की शरण में जाता हूं, सिद्ध प्रभु की शरण में जाता हूं, साधु की शरण में जाता हूं और केवल भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है उसकी शरण में जाता हूं। एक दिन एक भाई कहने लगे कि आज कोई किसी का नहीं है, है क्या? नहीं है। और आजकल तो जमाना ऐसा आ गया कि पड़ोसी भी, कुछ कॉलोनियों में तो ऐसा है कि पड़ोसी में नहीं पता है कि कौन है, फ्लैटों में पता नहीं चलता कि ऊपर कौन रहता है और नीचे कौन रहता है। कोई मुसीबत आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई घर में मर भी जाए तो पता नहीं चलता है पड़ोसी को। क्योंकि हर जीव अहंकार में इतना ज्यादा चकचूर हो गया है कि यदि कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति हो और कोई स्कूटर में आ रहा हो क्या होगा, आप स्वयं समझता है। और कोई स्कूटर में आया हो और कोई बड़ी गाड़ी में आया हो, कोई छोटे तबके का व्यक्ति हो और कोई कोठी में रह रहा हो, बंगले में रह रहा हो, किसी को शरण देगा। और आजकल तो वैसे ही शरण देने का जमाना नहीं है, है क्या? कोई भी किसी के घर में घुस जाए और लूट करके ले जाए, किसी की गाड़ी रुकवा करके बैठ जाए। और इसलिए भी शरण देने से लोग डरते हैं। खैर, आज अशरण भावना की बात चल रही है, हमें अशरण भावना को समझना है कि वास्तव में शरण है तो किसकी शरण है, हमें किस प्रकार से किसकी शरण में जाना है। व्यवहार से हम देवशास गुरु की शरण में जाते हैं तो धर्म के स्वरूप को जब हम समझ जाते हैं तो फिर हम निज स्वरूप को पहचान लेते हैं और जो हमारी आत्मा ही हमारी शरण है। निश्चय की दृष्टि से देखें तो व्यवहार की दृष्टि से गुरु कौन है आपको पता है? व्यवहार की दृष्टि से देखें तो हमारे गुरु जो है अनंत परमेष्टि है। जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो पहले नंबर पर किसको दिया गया है? क्यों भाई, अनंत बड़े हैं कि सिद्ध बड़े हैं? जब सिद्ध बड़े हैं तो पहले बहुमान किसको देना चाहिए? सिद्धों को देना चाहिए ना। फिर हमारे आचार्यों ने अनंतों को बाद में क्यों लिया है? गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी।
क्या है गोविंद दियो बताए। भगवान तक पहुंचने का रास्ता, गोविंद तक पहुंचने का रास्ता किसने बताया है? गुरु ने बताया है। इसलिए हमारे जो परम गुरु है अनंत प्रभु, उन्होंने कहाँ पहुंचने का रास्ता बताया है? सिद्ध तक पहुंचने का रास्ता बताया है। पहुंचना चाहते हो आप लोग सिद्ध तक? कौन कौन चाहता है? सब सिद्ध बनना चाहते हैं, लेकिन सिद्ध बनना तो चाहते हो, लेकिन सिद्ध बनने जैसे कार्य करते हो कि नहीं? अभी आप स्तुति में पढ़ भी रहे थे, जो गुणे स्वभाव है सिद्धों में वह ही तेरे में छिपा हुआ। कि जो स्वभाव सिद्धों में है वही तेरे में छिपा हुआ है। तू प्रमाद के वशीभूत होकर के, आलस के वशीभूत होकर के बैठा हुआ है, राग रंग में उलझा हुआ है, राग रंग की चीजें अच्छी लगती है। लेकिन यदि हमें सिद्ध तक पहुंचना है तो अश्रद्ध भावना को समझना होगा, और अश्रद्ध भावना कह रही है कि सब स्वार्थ की दुनिया है, मतलब का संसार है, मतलब सदैव सब साथ छोड़े चाहे जाओ भाड़ में। जब तक मतलब है तो वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, वह मेरा फलाना है, वह मेरा फलाना है। और जब मतलब निकल गया तो फिर जानते भी नहीं है कि फलाना व्यक्ति कौन है। ऐसे ही एक बार एक घटना घटी, एक भाई के ऊपर आपत्ति आ गई, और जब भाई के ऊपर आपत्ति आ गई तो भाई का भाई नहीं था, एक बहन थी। भाई ने सोचा कि बस अपनी तो एक बहन ही है, कोई और रिश्तेदारी नहीं है, मात्र एक बहन है। और आपत्ति के समय में अपनी व्यथा सुना करके, अपने मन की जो संकट है, अपने मन का जो बोझ है, बहन को सुना करके हल्का कर लूंगा। हो सकता है बहन को दया आ जाए, बहन मेरा कुछ सहयोग कर दे। बहन के द्वार पर जाता है, बहन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा धन वैभव था। बहन ने दूर से ही कहीं छज्जे पर खड़ी होगी बहन,
दूर से ही देख लिया कि मेरा भाई आ रहा है, पैदल चला आ रहा है, मेले कुचेले कपड़े पहना हुआ है, कपड़े कहीं कहीं से फटे हुए हैं, लगता है परेशान है। और घर के लोग देखेंगे, परिवार जन के लोग देखेंगे भाई को इस हाल में, तो कहेंगे इसका भाई और ऐसा। उसने भाई को वहीं बाहर सामने बगीचा था, नौकर को भेज करके वहीं पर रोक दिया, नौकर से कह दिया कि कोई व्यक्ति आ रहा है, देखो ऊपर ना चढ़ जाए, वहीं पर बगीचे में पार्क में बिठा दे। किसने कहा? बहन ने कहा। कलयुग की बहन, सतयुग की बहन नहीं। बहन ने बगीचे में पार्क में बिठा दिया और थोड़ी देर के बाद सभी लोगों से आंखें चुरा करके वह गैया नहीं, बहन भाई के पास नहीं गई, नौकर के हाथ से चार रोटी एक कागज में रख करके और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और अचार रख दिया और कहाँ भेज दिया, भाई के पास। नौकर देकर के भाई के पास आ गया। भाई भूखा था, कई दिनों से उसने रोटी नहीं खाई थी। बात चल रही है असरद भावना की। लेकिन बहन का बर्ताव देख करके भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, बहन को जरा भी दया नहीं आई। नौकर वहां से चला आया, भाई ने भी रोटियां नहीं खाई। एक रुमाल में वे रोटियां बांध करके आगे चल पड़ा। भूखा प्यासा भाई बहन के द्वार से आगे बढ़ गया। बहन पर बहुत भरोसा था, बहुत भरोसा था। लेकिन बहन ने भी साथ नहीं दिया। आगे गया, किसी दुकान के सामने बैठ गया, किसी व्यापारी ने पूछ लिया, भाई कैसे बैठे हो?
नौकरी करोगी क्या? बोले नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मेरा मन नौकरी करने का नहीं है, मेरा मन व्यापार करने का है। क्योंकि वह भी बड़ा व्यापारी था, किस्मत का मारा था बेचारा, अचानक घाटा लग गया, दाने दाने को तरस गया। वह व्यापारी ने एक दो प्रश्न पूछे, वह व्यापारी के उसमें खरा उतर गया। बोले कैसे व्यापार करोगे? बोले पार्टनरशिप में व्यापार करूंगा, मेरे पास रुपये पैसा तो नहीं है। जितना भी कमाई होगी उसमें से 75% आपका और 25% मेरी मेहनत का। उसने शुरू कर दिया कार्य। हीरे जवाहरात का काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत पुनः चमक गई। पहले से ज्यादा उसके पास रुपया पैसा हो गया, वैभव हो गया। अब उसे घर की याद आई कि मैं अपने परिवार जनों को छोड़ करके आया था, मुझे परिवार जनों के पास वापस जाना चाहिए। चल पड़ा परिवार जनों के पास, लेकिन रास्ते में चलते चलते याद आ गई, एक बार बहन से मिलकर के तो देखो, हो सकता है बहन का रुख बदल जाए। गाड़ी बहन के दरवाजे की तरफ मोड़ ली, बहन के घर की तरफ मोड़ ली, गाड़ी में से उतरा। बहन की नजर पुनः पड़ गई, गाड़ी में से कौन उतरा है देखूं तो जरा। बहन देखती है कौन उतरा, बहन का भाई उतरा, हाथों में चार चार दोनों हाथों में अंगूठी पहने हुए है, हाथ में स्वर्ण की घड़ी पहने हुए है, उसमें डायमंड लगा हुआ है, ब्रासलेट है, गले में मोटी सी चेन है। और गाड़ी भी लग्जरी गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। बहन ने जैसे ही देखा, अब बहन छुपी नहीं, अब नौकर को नहीं भेजा, अब स्वयं दौड़ी दौड़ी भाई के पास पहुंच गई। अरे भाई, बहुत दिन के बाद आए हो, क्या बात है, आपको बहन की याद तक नहीं आई? बहन याद तो आई थी लेकिन आ नहीं पाया, मजबूरी में फंसा हुआ था।
अरे भैया एक फोन तो कर देते। बोली बहन फोन करने का टाइम नहीं मिला, मैं स्वयं आ गया। आओ भैया आओ। आकर के ड्राइंग रूम में बिठा लिया। सोफे पर दोनों बैठे हुए आपस में बातचीत चल रही है। अब थोड़ी देर के बाद बहन स्वयं रसोई में गई और भाई के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके लेकर के आई। किसके लिए लाई? नहीं, यही हमारी सोच में फर्क है। वह भाई के लिए नहीं लाई, भाई का क्या बोल रहा है, भाई का पैसा बोल रहा है। भाई के पैसे के लिए मैं बना करके लेकर के आ गई। बढ़िया सा ट्रे में सजा करके सुंदर सुंदर से बर्तनों में भोजन लेकर के आ गई। भाई से कहने लगी, भैया बहुत दिनों के बाद आए हो, ले लो। बहन मैं भोजन करके आया हूँ। नहीं भैया भोजन तो करना पड़ेगा। बोले तू नहीं मान रही है तो अच्छा कर लेता और थाली में से भोजन उठाया और अंगूठियों में भोजन लगाने लगा जो सोने की घड़ी पहना हुआ था। उस सोने की घड़ी में भोजन लगाने लगा। भैया आप क्या कर रहे हो? बोले तूने जिसके लिए भोजन बनाया मैं उसे भोजन करा रहा हूं। बोले तुम भी तो करो। बोले हाँ मैं भी भोजन करूंगा। भाई ने अपनी पोटली खोली। कौन सी पोटली? वे चार रोटी की पोटली खोली। इतने दिन से भाई वे चार रोटी रखा हुआ था उसमें नमक और चार और वह पोटली खोल करके खाने लगा। भैया तुम क्या कर रहे हो? बोली बहन, बहन का भाई के लिए यही भोजन था और मैं असली भोजन कर रहा हूं। वहीं पर बहन की आंखें खुल जाती है कि मैं कौन सी गलती कर रही। कहना क्या है और घड़ी ने भी 5 मिनट एक्स्ट्रा कर दिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 8 बजे आओगे तो पूरा 1 घंटा मिलेगा। देर से आओगे, जितने बजे आओगे और जितने बजे